हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पिंकी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। और आज की हमारी रेसिपी है पटेटो लॉलीपॉप। पटेटो लॉलीपॉप को आप अपने पार्टी में स्नैक्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। ये खाने बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, पटेटो लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ देखिए, मैंने लिया है एक बड़ा आलू जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच खटाई पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और एक छोटा चम्मच नमक। यहाँ हमने फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मिलाऊंगी मैं ये आलू और धनिया पाउडर, खटाई पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये हरा धनिया। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ देखिए, ये हमारा डो तैयार है और यहाँ हमने इन ब्रेड क्रम्स में ग्रीन हर्ब्स, मैंने यहाँ ऑरिगेनो लिया है, रेड चिली फ्लेक्स, और यहाँ मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है और 4 चम्मच पानी। इसका मैंने एक इस तरह से घोल बना लिया है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब हम हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसको एक नींबू आकार जितना हम ले लेंगे और एक गोल कर लेंगे। इस तरह से अब मैं इसको डिप करूंगी इसमें जब ये इसमें अच्छे से डिप हो जाएगा, उसके बाद हम इसको इसमें रोल कर लेंगे। इसमें रोल करने के बाद हाथों से हल्का सा इस तरह से ये तैयार है। बाकी सभी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसे फिर से इसमें डिप करके अच्छे से और निकाल के इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से रोल कर देंगे इसमें। और हाथों पे इस तरह से हम सबको इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ देखिए, हमने कढ़ाई में तेल लिया है और ये हमारे लॉलीपॉप्स तैयार हैं। अब इनको डीप फ्राई करेंगे। गैस को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। इनको हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से पलट पलट के। ये देखिए, अभी हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हुए हैं। अभी हम इन्हें थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये देखिए, अभी ये सिक्के तैयार हैं। हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए, हमारे पटेटो लॉलीपॉप्स तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।